श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आदि सच जगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच चक्कर चेह नर बरन जा चिर पात नहन जेह रूप रंग अलरेख भेख को कह न सकत के अचल मूल तन भव प्रकाश अमतोज कह जै कोट इंद्र इंद्रान साहे साहान गणिजै त्रिपावन महीप सुर नारिया सुर नेत नेत बंत्रण कहत त्वा सर्वनाम कथ कवन कर्म नाम वर्ण तुसुमात सुने गुंग जो जाहि सुरसना पावई सुने मूढ़ चित लाए चतरता आवई दुख दर्द पहो निकट न तिन नर के रह हो जो जा की एक बार चौपाई को कह कहां बुद्ध प्रभ तुष हमारी वर्ण सकै मेहमान जो तिहारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो हौं वारी जियो वारी निरंकारी नाम त्यावणिया तिस रूप ना रेखिया घट घट देखिया गुरमुख अलख लखावणिया हौं वारी जियो वारी निरंकारी नाम त्यावणिया तिस रूप ना रेखिया घट घट देखिया गुरमुख अलख लखावणिया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतत पावन पत वशी कृपा निधान मेहरां दे खजाने ज्योति स्वरूप गरीब नवाज पातशाह जुगो जुग अटल चावर छत्र तख्त दे मालक दीना बंधु करुणा निधान अंतरजामी सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु खालसा साहिब संगत जी धन गुरु नानक देव साहब जी महाराज उन्होंने दसे स्वरूप दसा ही पातशाही दे आत्म जो स्वरूप सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अपार कृपालता का सत्कार पिछले पहर के सुंदर दीवाना की प्रारंभता हुई रहरा साहब जी के पाठ आप जी तो सो आप जी ने गुरमुखा तो सरवण किए उपरंत गुरु की बाणी के कीर्तन गुरमुखा ने आप जी ने सरवण करवाए हैं। गुरबाणी की लड़ीवार कथा जो गुरु घर चल रही है धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी के शब्द कल प्रारंभ हुए सन जिमें महाराज कृपा करते हैं आओ मानचित बिरतियां की एकाग्रता बनाईए गुरु साहब जी की प्रसन्नता रहने वास्ते कुछ मन की एकाग्रता कुछ आत्मक सुख सानू प्राप्त होवे इस वास्ते गुरु साहब जी के गुण रल मिल के गाइए जिस करके साडा भला होवे जी। हौं वारी जियो वारी निरंकारी नाम त्यावणिया धन गुरु रामदास महाराज जी का शब्द प्रारंभ होया सी माझ महला चौथा आदि पुरख परंपर आपे आपे थाप आपे थापे थाप को थापे आपां इहदी गल विचार कीती सी भई गुरु रामदास महाराज जी ने अकाल पुरख वाहिगुरु की वडियाई करदिआं इह पवित्र मुख तों बचन कीते ने उह अकाल पुरख वाहिगुरु सब तों मुढ़ली शक्ति है उहदे तों पहलां कुझ नहीं सी उही सब तों पहलां है उही सदा रहण वाला सा संगत जी उसे सब की अगे चलती पौड़ी विच महाराज अज कृपा करदे हन। हौ वारी जीओ वारी निरंकारी नाम त्यावणिआ
मैं उन्हां तों बलहार जाना वारी जाना सदके जाना कुरबान जाना जिहड़े निरंकार दा नाम ध्यान वाले आ जिहड़े अकाल पुरख वाहिगुरू नूं चेते रखण वाले आ। गुरु साहिब कहिंदे मैं उन्हां तों भी सदके जाना मैं बलहार जाना उन्हां गुरमुखां तों। तिस रूप नारिखिया घट घट देखिया जिस अकाल पुरख वाहिगुरू नूं आपां साध संगत जी पाउणा चाहुंदे आ उस दीआं गल्लां बातां उहदी एकाथ दी कथा महाराज ने कृपा की थी कहते वह कोई रूप रेख नहीं जो गुरमुखो हैगा तो सरूप ना रेखिया रेख कहें सात संगत जी जिमें अपने हाथों पैरों दिया रखावां ने परमात्मा दिया नहीं क्योंकि वह कोई स्थूल सरूप नहीं है इस करके कोई वो चिन्ह चक्कर से रखावां नहीं है सरूप उसका कोई सात संगत जी है ही नहीं। कल बेनती की जे सरूप नहीं वह है फिर उन्होंने आप चेते किमें करिए महाराज कहते जिड़े उन्होंने चेते करते जे उसका नाम ध्यान मैं उन्होंने सदके जाना औखा काम है ता महाराज कहें मैं सौखे जाना सदके जाना भाई जिसनों आप कदम देखिया ही नहीं सरूप ही कोई नहीं किमें चेते किया जाए जिड़ी चीज़ आप देखी साध संगत जी वो अपनी सिमरती च आ सकती है अपने आप हरिमंदर साहब का इतिहास सुनावे तो चट अपनी याद में आ जाएगा उस वे आप चेते आ जाता भी इदा घंटे घर वाले पासे तो जुड़े जमा करा के उतरते हैं अगे परिक्रमा फिर दुख भंजनी बेरी फिर महाराज जी का इदा दर्शनी ड्योड़ी फिर अंदर दरबार इदा रागी सिंह बैठे अपना दिस पैंदा इतने बैठे हैं क्योंकि देखिया उस वे चेते आ जाएगा। हजूर साहब की कोई गल करे तो जिन्होंने हजूर साहब के दर्शन किए उन्होंने सिमरती से हजूर साहब आ जाता जिमें निशान साहब लगा जिमें पौड़ियां चढ़ते हैं जिमें अंदर मथा टेकते हैं जिमें शास्त्र सुशोभित किए होंगे चेते आ जाते। कोई भी स्थान साध संगत जी जिसकी गल चले जी आप देखी है वह वस्तु तो आ जाती साड़ी याद में पर जिन्हों कहते देखिया ही नहीं वह किमें याद में आए महाराज कहते हैं जिड़े फिर भी उन्होंने याद करते हैं ना मैं उन्होंने तो बलहार जाता उन्होंने तो सदके जाना भाई बिना देखी चीज़ में कोई चेते करे देखे चेते करना तो सौखा तो कुछ देख लिया से वह याद आप करी जाने उस सरूप में ध्यान च लिया के अपनी कल कल्पना च लिया के पर जिन्हों कदे नहीं देखिया देखिया तो वह जाए ना जिसका कोई सरूप हो पर महाराज कहते हैं भाई वह कोई सरूप ही नहीं है तिस रूप ना देखिया घट घट देखा कहते वह निरंकारी का कोई सरूप ही नहीं है कोई वो चेहन चक्कर नहीं फिर भी सात संगत जी कई बार आपां नूं भुलेखे बड़े दिते जाते हैं भी लिया तुहानूं रब विखाल दिंदे आ रब जे देखण विच आ गया तो सात संगत जी रब ही नहीं जी वह जिहड़ा देखण विच आ गया वह परमात्मा है ही नहीं। कोई कहिंदा जी तुहानूं ज्योति विखाल दिंदे अंदर ज्योत दिसदी लो जी ये ब्रह्म के दर्शन हो गए किसी ने हाथ उत्ते थले करके आख्या वेखो इहदे विच परमात्मा जिहड़ा परमात्मा दिसण च आ गया सात संगत जी वह परमात्मा नहीं परमात्मा दृश्य नहीं हुंदा दृष्टा हुंदा परमात्मा। हाँ जिहड़ी चीज़ ज्योति नूं देख रही है वह तो परमात्मा हो सकती है जिसकी कला जिसकी ताकत जिसकी शक्ति नाल असीं अपने अंदर ज्योति देखी वह तो परमात्मा हो सकती है देखने वाली ताकत रब हो सकती है जिस द्वारा देखा जा रहा दिसण वाली वस्तु साध संगत दृश्य होंगी दृष्टा नहीं होंगी दिखने में जो आ गया वह नहीं परमात्मा होंगे दिखने में वह चीज़ आनी है जिसका कोई सरूप है जिसका सरूप कोई नहीं उन्होंने तो देख सकती नहीं साध संगत जी ताकत कोई सरूप वाले आप देखांगे ना जिसका कोई आकार है साड़ी अख उन्होंने देख सकती है पर जिसका आकार ही कोई नहीं उन्होंने अख किवें देखे हवा नूं साध संगत जी आप कदी नहीं अज तक देखिया हवा का कोई सरूप नहीं कोई आकार नहीं कभी देखी किसी ने हवा हाँ हवा नूं अनुभव करीदा भाई गर्म है ठंडी है अज तेज चलती है हौली चलती है इनू आप अनुभव कर सकते देख नहीं सकते देखा कभी नहीं क्योंकि आकार कोई नहीं। इस तरह परमात्मा का आकार कोई नहीं जे परमात्मा का आकार कोई नहीं वह दिसण च नहीं आता दिसण च नहीं आता फिर उन्होंने चेते किवें करिए महाराज महाराज तो कहते हैं गुरु रामदास जी कि जिहड़ा फिर भी उन्होंने चेते करता मैं उहदे तों कुरबान हाँ बिना दिसण वाले नूं अपनी सिमरती च लै आउणा अपने चेते च टिकाउणा जिहड़ा रब असीं कदी नहीं देखा उहदा ध्यान धरिए उहदा नाम जपिए किवें जपिए। महापुरशां नूं इक वारी किसे जग्यासू ने सवाल किया कहिंदा जी जदों नाम जपना हुंदा ते ध्यान नहीं टिकदा ते ध्यान टिकाउण वास्ते गुरु साहब की फोटो सामने रख सकते हैं महाराज गुरु नानक देव जी की जां दसां सरूपां चों जिहड़ी भी अपना चित करे फोटो सामने रख के आपां नाम जप सकते हैं फोटो विच ध्यान ला के क्योंकि जिहड़ी चीज़ दिसण विच आवे वह थोड़ा जिहा मन नूं एकाग्र करन दी सहायता करती है दिसे ही कुछ ना ते किवें मन दी एकाग्रता बणे ते थोड़ा जिहा चुप रहा कि साध संगत जी महापुरशां ने आख्या भाई हाँ महाराज की फोटो सामने रख के
फोटो का ध्यान धरके नाम जप सकते हैं। उन्हें फट देने सवाल किया, कहिंदा जी पर गुरमत्ता कहिंदी भी खालसा फोटो का पुजारी नहीं, ये शब्द का पुजारी है, तस्वीर का पुजारी थोड़ा, मूर्ति का तो पुजारी है ही नहीं सिख। पर तुसी कहिंदे जे भई महाराज की फोटो सामने रख के नाम जप जपया जा सकता, जदों के महाराज की तो असली तस्वीर ही नहीं है, तो वो मुसावर की कल्पना जिवें उहदे मन च आई उहने बना दित्ती महाराज की फोटो। फिर तुसी कहिंदे जे फोटो का ध्यान हस पे, इहदे सानूं पता सी भी तू यही सवाल करेगा, तां थोड़ा जिहा चुप रह के तैनूं आख्या भी हाँ भी तू महाराज की फोटो सामने रख के ते ध्यान टका सकदा जप सकदा नाम। सानूं पता सी भी तेरा अगला सवाल इहो ही आउणा, कहिंदे तेरी समझ गोचरा इक तैनूं दस दे प्रमाण दे के खालसा फोटो का पुजारी नहीं, मूर्ति पूजक नहीं सिख, यह पक्की गल है। पर महाराज की फोटो सामने रख के नाम ध्याना कोई करैत नहीं, इसलिए नहीं, वो कहिंदे जदों बच्चा पहली का विद्यार्थी हुंदा ना, नर्सरी का आपां कह लईए, जदों बच्चा साध संगत जी अजे शुरू करता अपनी पढ़ाई, तो टीचर उन्हूं ऊड़ा सिखाउण वास्ते पहला उंगली ऊठ उत्ते रखता, ऊठ की फोटो विखाउंदा उहनूं टीचर, हालांकि ऊठ नाल बच्चे का कोई काम नहीं, दसना तां टीचर उहनूं ऊड़े बारे चाहुंदा पर फोटो ऊठ दी विखाउंदा। वो कहिंदा ऊड़ा ऊठ, क्योंकि बच्चा छोटा है ना, ऊठ वेख के बच्चे साध संगत जी ऊड़ा चेते आ जाता, जिथे ऊठ वेखेगा उन्हें पता भी ऊड़े तो ऊठ बनता, जेन में ऊड़ा पक्का करने वास्ते टीचर उन्हें ऊठ दिखाता भी आ देख ऊड़ा ऊठ। हालांकि ऊठ कहने का नहीं मतलब, बच्चा जो ऊठ समझ जोगा नहीं, हालांकि टीचर बच्चे ऊड़ा समझा चाहता, पर ऊड़ा समझाने साध संगत जी वो फोटो विखा पहला भी आ ऊठ आ ऊड़ा ऊठ हों, ऐड़ा अनार, ईडीएट आप कह लिए, ए एप्पल, बी बैट, सी कैट, वो पहले एप्पल की फोटो विखाऊगा टीचर, ए दसण वास्ते बच्चे भी ए की तेन समझ पै जाए, तेरे दिमाग च ए पक्की हो जाए, दृढ़ हो जाए, इस करके एप्पल की फोटो विखाऊंगा। बच्चा जो तुरै ना तोरन वास्ते टीचर उन्होंने साध संगत जी फोटो विखाऊंगा ऊड़ा ऊठ। फिर जो बच्चा दो चार क्लासा अगे चलिया जाता, फिर टीचर को पता कहता कि हूँ इन अखर की पछाण होगी, फिर वो ऊठ नहीं विखाऊंगा, वो साध संगत जी सिर्फ सीधा उड़ा आड़ा ईडी ससा कहता, तो बच्चा पछाणी जाता अखर, क्योंकि पढ़ लिया ना पक्के हो गए दिमाग च। फिर साध संगत जी वो ऊड़े आड़े की फोटो भी नहीं सीधी उन्होंने विखाता, ब्लैक बोर्ड से अखर लिखी जाता तो बच्चे को पता लगी जाता, जब तीन चार जमात होर अगे चले गया सिर्फ टीचर ब्लैक बोर्ड उत्ते अखर ही लिखता ऊड़ा आड़ा जो भी उन्होंने तो बनना बच्चे को पता लग जाता, इन्नी समझ आ जाती। उदू अगे जो होर तरक्की कर जाता वो कॉलेज चले जाता, तो फिर साध संगत जी वो टीचर ब्लैक बोर्ड उत्ते भी अखर नहीं लिखता, सिर्फ मूँह बोलता, लैक्चर देता प्रोफेसर, तो बच्चा साध संगत जी आपे लिखी जाता, उन्होंने अखर की पछाण है, उदों ऊड़ी के नाल ऊठ नहीं पाता बच्चा, ऊठ तो उदों पाया से जो शुरू करना है, तोरन वास्ते ऊठ विखाया से, बाद च बच्चे का ऊठ नाल कोई तलक नहीं, अखर की उस पछाण आ गई, फिर ब्लैक बोर्ड से लिखता, होर तरक्की की, तो ब्लैक बोर्ड से भी टीचर नहीं लिखता, सिर्फ बोली जाता तो बच्चा साध संगत जी लिखी जाता, क्योंकि अखर वे पक गए सारे अंदर, तो उदू अगे जो यूनिवर्सिटी जाए तो फिर तो साध संगत जी आके वह प्रोफेसर सिर्फ हिंट मात्र ही देता, वो एक दो हिंट दे के चलिया जाता, तो व्याख्या आप कर लेता विद्यार्थी, फिर उन्होंने सारा बोलने की भी लड़ पी, सारा लैक्चर पूरा नाम ही बोल के दे, हिंट जो समझा के बच्चों चलिया जाता तो वो आपे अगर व्याख्या कर लेंगे। महापुरुषों ने आख्या तू मैं पहली क्लास का विद्यार्थी, फोटो तेन ता आख्या जे तेरा ध्यान फोटो ना टिक सकता है तो महाराज की फोटो सामने रख लै, मेरे बिना कह तो जिस दिन नाम तेरे अंदर प्रपाक हो गया फोटो आपने परे हो जानी, अपने आप परे हो जानी फोटो, ये तेनों भी पता भी आप फोटो के बाजारी नहीं, तो मैनू भी पता भी फोटो के बाजारी नहीं शब्द के बाजारी हैं, पर शब्द को ध्यान में लियाने वास्ते फोटो सामने रखनी कोई करैत तो पाप नहीं। तो कहते ये अज मैं तेन कह दिता भी सामने रख लें, जे तेरा ध्यान इदा टिकता तो फोटो वाल रख के टेक ला टका लै, तो वो नहीं मैंने कहना पैना भी हम फोटो का खड़ा छड़ दे तू आप छड़ देना, जिस दिन नाम तेरे अंदर थोड़ा जहा चल गया थोड़ा टिक गया परपक हो गया फिर तेन फोटो की लोड़ नहीं, इस करके तेन आख्या भी हाँ तू रख सकता, पर जे थोड़ा जहा जग्यासु परपक हों फिर असं कहते भी नहीं लोड़, पर तेनों लोड़ है पहली क्लास के बच्चे लोड़ है ऊड़े के नाल ऊठ विखाउण की, वड्डे हुए बच्चे दसवीं के बच्चे कभी नहीं लोड़ पैंदी, कभी भी उन्होंने अध्यापक ऊड़े के नाल ऊठ नहीं विखाउंदा, ऐड़े नाल अनार नहीं, सिर्फ ये तो तोरन वास्ते आ, बच्चे पहला फोटो विखाड़ के परपक करी दी अखर। उन्होंने आख्या भी हाँ जे तेरा ध्यान, क्योंकि वह अदृश्य
गुरु रामदास जी ने बचन किया तो स्वरूप ना रेखिया, उहदा कोई रूप ही नहीं है। जिहड़ा साध संगत जी देखण विच परमात्मा नहीं आउंदा उहदा ध्यान मन विच पक्का करना औखा काम है। इसलिए महाराज ने आखिया जिहड़ा फिर भी उहदा ध्यान टिकाउंदा ना, मैं उहदे तों बुलहार जांदा, उहदे तों कुरबान जांदा। उस परमात्मा का स्वरूप कोई नहीं। स्वरूप वाली चीज़ नूं तां आपां चेते कर सकते हैं, पर जिस परमात्मा का कोई स्वरूप ही नहीं उहनूं चेते करना यह तो फिर बड़ी वड्डी गल है। जदों भी परमात्मा साध संगत जी असल विच किसी नूं दर्शन देवे जां उहने कोई कौतक करना तो सरगुण रूप में आण के वह कार्य करके फिर चलिया जांदा। असल विच परमात्मा का अपना स्वरूप सदीवी कोई नहीं। वो चक्कर चिन्ह महाराज ने बचन किए, चक्कर चिन्ह बन जात पात नहन जिन रूप रंग रेख भेख को कह न सकत के। कोई ब्रह्म ज्ञानी भी नहीं जे कह सकता भी परमात्मा का स्वरूप की है, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप कोई नहीं है। कोई है कोई होवे स्वरूप तो फिर दसे। हाँ कभी कभी सरगुण स्वरूप लैके साध संगत जी परमात्मा कुछ कौतक कर देता है तो उस स्वरूप की लोग उवें पूजा शुरू कर देंगे। प्रहलाद की रक्षा वास्ते नरसिंह रूप हो गया, नरसिंह रूप दिसिया। साडे भले वास्ते परमात्मा गुरु नानक देव जी के रूप च आया, असं महाराज की फोटो देने साडे मन च थोड़ा जा भगती भाव थोड़ा जा श्रद्धा भावना आ जाती महाराज की फोटो देख के। परमात्मा का निर्गुण स्वरूप जिहड़ा साध संगत जी उहदा कोई चिन्ह चक्कर है ही नहीं, उहदा कोई स्वरूप नहीं। गुरु साहब कौतक करन लई परमात्मा के बारे दसण लई वह साध संगत जी परमात्मा जिहड़ा वह सरगुण स्वरूप गुरु साहब के रूप च धारण करता है, उवें परमात्मा का रूप ही कोई नहीं। फिर जिसका रूप कोई नहीं उहनूं चेते करना, कहिंदे जे फिर कोई चेते करे तो मैं उहदे तों कुरबान जाना, उहदा रूप कोई नहीं। फिर कहिंदे घट घट देखिया। गुरमुख जदों नाम विच परपक हो जाए साध संगत जी फिर वह जिहड़ा कदी दिसदा ही नहीं सी परमात्मा घट हुंदा हिरदे नूं आखीदा, कहिंदे हरेक हिरदे चों दिसण लग पैंदा। किवें? हिरदे विच अनुभव हुंदा। अपने हिरदे च जिस दिन साध संगत जी मैनूं परमात्मा दिस पवे ना, मेरे अनुभव विच जिस दिन परमात्मा आ गया फिर मैनूं सारिआं विच परमात्मा दिसेगा। दिसेगा दा अर्थ इह नहीं भी उहदा कोई सरूप दिसणा, मैनूं पता लग जाणा जिहड़ी कला मेरे अंदर काम करदी सारिआं दे अंदर उही है, एक ही ताकत वरतण लई सारी उस परमात्मा दी। फिर सारिआं विच साध संगत जी परमात्मा दिसेगा। फिर गुरमुख अनुभव करदे आ भी सारिआं विच उही रब है, सारिआं विच चलदी धड़कदी उस जोत नूं साध संगत जी फिर देखदे आ जिहड़े गुरमुख हन। उवें परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है जी। गुरमुख अलख लखावणिया, गुरमुखा ने ना साध संगत जी जाने जा सकन वाले परमात्मा नूं जान लिया। लखना हुंदा जिहड़ा समझ विच आ जाए, उवें वह अलख आ, उवें वह जाणिया नहीं जा सकता। पर गुरमुख साध संगत जी जिस वेले महाराज ज्ञान का नेत्र बख्श देण फिर उन्होंने जान लेंगे। जान लैण का अर्थ है उहदे नाल साध संगत जी फिर अभेद हो जाते हैं, वह गुरमुखां दी अनुभव विच आ जाता। अकाल पुरख रहाओ विश्राम दे के कृपा करते हैं जी। तू दयाल कृपाल प्रभ सोई, कहिंदे तू दयालू आ कृपालू आ, इहदे गुण आ साध संगत जी भी वह दयालू कृपालू आ परमात्मा। तुद बिन दूजा वरना कोई, उहदे वर्गा होर कोई दयालू नहीं। किन्ना कु साध संगत जी वह दयालू है। गुरु साहब के बचन ने मेहरबान साहेब मेहरबान साहेब मेरा मेहरबान, सदा ही मेहरबान है साध संगत जी। सेवक है गुर सदा दयाल, सेवक वास्ते गुरु सदा ही दयालु है। यही भी गुरु साहब कभी दया के घर च आ गए कभी ना की कृपा, नहीं महाराज तो सदा ही दयालु साध संगत जी, सदा कृपालु सुभाव महाराज का वरतदा। पर उनकी कृपा प्राप्त करने वास्ते पहला अधिकारी बनना पैंदा। आन अधिकारी साध संगत जी महाराज की कृपा प्राप्त नहीं होंगी। गुरु साहब तो कृपालू है सदा ही, पर अधिकारी के उत्ते कृपा वरतदी आन अधिकारी से नहीं। अधिकारी बनने वास्ते साध संगत जी फिर कुछ पहला खेचल करनी पैंदी है। जिनी नाम त्याया गए मसकत काल, एक महापुरशा ने साध संगत जी के बचन सुनाया, कहिंदे कोई प्रेमी किसी संत को साध संगत जी चले गया तो कहिंदा जी तुसीं कृपा करो मैनू ज्ञान बख्शो। वो कहिंदे भी ज्ञान तो तैनू बख्श देवांगे पर पहला थोड़ी जी असीं तेरी परख करनी है। वो कहिंदा जी कर लो परख मेरी, जब मैं आ ही गया तो करो तुसीं परख। उन्होंने कहा भी परख तेरी इदां होनी है भी पहला तैनू इत्थे कुछ समा रह के सेवा करनी पवेगी। सेवा करदिआं करदिआं जो सानूं लगेगा कि तू ठीक है हुण परख विच पूरा उतरिआ तो फिर तैनू असीं ज्ञान बख्शांगे। कहिंदा जी ठीक है। वो कहिंदे भी सेवा जिहड़ी मर्जी तेरे को लै लईए। कहिंदा जी जिहड़ी मर्जी लै लो जो आ ही गए। वो कहिंदे पहला वो अलमारी खोल, अलमारी खोली तो उहदे विचों कहिंदे भी एक सामने वट्टी पई आ, इहनूं पारस कहिंदे आ, जा चुक के लिया लै आंदा। बड़ा खुश होया भी पारस भी अज देख लिया। फिर महापुरशां ने आख्या लोहे का बाटा फड़,
बाटा लिया तो कहते हैं भी ये बाटा जरा आप सोने का करना पार्सल आके तू इं कर भाई बाटे के पार्स रख दे इनू अलमारी च रख के ताला ला के चाबी मैनू फड़ा दे फिर किसी दिन क्ढा ये सोने का बन जाना। वो कहता ठीक है। सरदा जी भी कुछ बज गई सोचता भी चलो आए तो टिकाने ही हाँ जे कि बाबा प्रसन्न हो गया पार्स हाथ आ गया फिर नहीं आप दे। उन्हें साहब संगत जी रखिया वो बाटे के उत्ते पार्स बाटे तो ला के ताला चाबी दे दी उन्होंने। वो कहते तू इदा करना भी हम गजा करके लिया करना गजा करके लिया जिस दिन तेरी होमे मर गई ना परख तेरी यह है भी असी मारनी तेरी होमे तो फिर तेन ज्ञान देना जिस दिन तेरी होमे मर गई उस दिन तेन ज्ञान देवे। वो कहता जी होमे तो मैं पहला ही मार के आया मैं जो घरों तुरिया होमे मार के ही तुरिया हाँ होमे मेरे च कितने आ। वो कहते नहीं अजे हैगी है जिस दिन मर गई फिर तेन ज्ञान देवे। वो कहते चलो ठीक है जी तू गजा लिया कर। गजा लिया लग पाया कुछ समा लंघ गया सेवा करते एक दिन आया कहता जी किन्ने महीने लंघ गया तो तुम तो ख्याल ही नहीं करते मैं तेन आख्या ज्ञान दो तो ज्ञान तो चेता ही भुलाता मैनू फड़ा के डाली। वो कहते भी अजे गल बनी नहीं जिस दिन तेन आख्या गल बन गई उस दिन तेन सद के ज्ञान देवे तू अजे सेवा कर तू अजे अधिकारी नहीं बनया अधिकारी बनया तो ज्ञान दे देंगे। वो कहता नहीं जी एवं मेरिया चुगलियां करी जाते होने नाल दे आ मैं तो अधिकारी कितने मेरे दसो मैं मेरे च हमें है ही नहीं बिल्कुल। वो कहते कोई नहीं भाई देख लेंगे तेरे च हमें है कि नहीं है दो चौं दिन जो ना हो तेन दे देंगे ज्ञान। उन्होंने गजा लैन भेज दिता तो सात संगत जी एक गंद सुटन वाले कूड़ा सुटन वाले उन्होंने सद के आख्या भाई वो जो साडा सेवक जड़ा ना गजा लैके तुरिया आता हो कूड़े का टोकरा वो उत्ते पाना तू। वो कहता भी नहीं जी वो तो मैं फिर दड़ेगा। वो कहते साड़ी जिम्मेवारी है तू उत्ते कूड़ा पा दे कुछ नहीं तेन कहता साढ़े को आ जी जे तेरे वाल आया था। वह तुरिया आता से सात संगत जी तो वो उत्ते कूड़ा पा दिता वो तो भज्जा छड़ के डाली कूड़े वाले के पिछे वो अगे अगे वो पिछे पिछे वह महापुरशों को आ गया कहता जी बचाओ हूँ पै गया मेरे गल। वो कहते गल की भाई रुक जा गल कर कहता जी मैं वेखो बस्तर मैं गजा लई उन्हें मेरे से कूड़ा पाता इन्हें कुछ कौन करड़े बचन भी बोलिया। वो कहते फिर की हो गया मिट्टी तो मिट्टी पाई आ कूड़े तो कूड़ा पाया तेनों इस गल का गुस्सा क्यों आ। चुप कर गया कहता जी सोने बस्तर मिट्टी। वो कहते मिट्टी है भाई तेरा शरीर शरीर तेरे भी कुछ नहीं है ये बस्तरा का तू मोह करी जाना है शरीर की हंगता जे तू छी नहीं दे हंगता करके कहना मेरे उत्ते कूड़ा पाता असल च कूड़े से कूड़ा पाया यही हमे से जी असं कहने मर गई तो फिर तेन देवे ज्ञान अधिकारी नहीं तू अजे दे हंगता च फसिया अधिकारी वास्ते ज्ञान की प्राप्ति है अन अधिकारी के हिरदे में ज्ञान दे भी दिता जाए तो सात संगत जी टिकता नहीं पहली गल तो उल्टा पवेगा हम ब्रह्म असमी जिमें कहते हैं मैं ही ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण भाव किए तो बिना ही ब्रह्म आखेगा तो दूजी गल भी वो टिकना ही नहीं अन अधिकारी के हिरदे ज्ञान ने टिकना नहीं। वो कह लगे भाई वो कहता जी फिर तुम दसो ये मरनी कि कहता भी मरनी तो तेन दस दें किमें आ वो बाटा तेन चेता आप पार्स रखा से बाटा तू ताला लाया सह लिया चाबी तो कढ के लिया। वो कहता जी हाँ जी लियाओ उन्हें लिया बाटा तो सात संगत जी जो बाटा लोहे का जी तो बेच पार्स भी पिया। वो कहता जी ये तो बनया कि सोने का मन च सोचता भी जिदा का बाबा नकली उदा का पार्स नकली भी काम तो किया नहीं इन्हें एवें मैनू ही जापता भरमाया झूठी बोलिया। वो कहता जी पार्स नकली जे वो कहते नहीं पार्स तो असली आ। वो कहता जी फिर बनया नहीं बाटा सोने का। वो कहते सोने का असल इस करके नहीं बनया भी अनीज ला के वेख बाटे के उत्ते बहुत बरीक एक कागज लाया मोम का वो कागज तेन दिसदा नहीं पर छेले जिमें आप लैमीनेशन की चीज आप पता नहीं ना लगती। वो कहते असल वो पर्दा जोड़ा ना उन्हें नहीं बन दिता इन सोने का पार्स लोहे के एक बरीक कागज है उन्होंने चुक तो फिर ला उन्हू छेल के परे किया लाया तो लाद सोना बन गया कहते बन गया ना कहता जी हाँ हूँ तो ठीक है असली से जी पार्स। वो कहते बस तैनू लगता भाई मैं अधिकारी बन गया मेरे अंदर होमे नहीं होमे का पर्दा बहुत बरीक हों ये तेरे अंदर है तो इस करके तेन अजे अधिकार नहीं ज्ञान का जिस दिन यह चले गया फिर तेन असं ज्ञान देवे ज्ञान का अधिकारी बनना पैना पहला तेन। महाराज ने सात संगत जी वचन किया कहते तुद बिन दूजा अवर न कोई तू दयाल कृपाल प्रभ सोई। महाराज तू तो सदा ही दयालू तो कृपालू है तेरे वर्गा दयालु कृपालू है ही कोई नहीं फिर अपने मन च आएगा भी जे गुरु साहब सदा ही दयालु है तो फिर देर किस गल की करते क्यों नहीं दया मेरे से इसलिए नहीं करते सात संगत जी अजे आप अधिकारी नहीं बने। जदों कोई अधिकारी बन जाता महाराज जी की उस वेले दया हो जाती क्योंकि वह तो सदा ही दयालु है
पर अधिकारी तो बिना दया वरते किस उत्ते दया का कोई अधिकारी बने फिर साहब संघ जी वो दया नहीं है। महाराज तो इन्ने दयालु है भी सत्य पलवंडे बख्श दिता महाराज ने, गुरु साहब की निंदा की, भजन भी महाराज ने कर दिता भी ये बख्शे नहीं जा सकते, पर गुरु दयालु से निर्वैर से ता ही साहब संघ जी भाई लद्दा आया तो उन्होंने भी बख्शा दिता। महाराज ने आख्या ठीक है भाई जे तू कहना भाई लद्दा तो असं बख्श देने, पर जिस मूह इन्होंने सतगुरु की निंदा की उस मूह उसकी कर फिर वह बाबे सत्य पलवंडे की वार जी आप पढ़ते रामकली राग में उदे चो साहब संघ जी फिर उन्होंने उस्तत की महाराज जी की चरण फड़ के आख्या असं भुल गए हाँ इन्हों दयालु गुरु हो सकता भाई। गुरु साहब जी की निंदा करने वाले भी साहब संघ जी महाराज मुड़ के बख्श दे वो है तो दयालु पर दया का पात्र बनने वास्ते अधिकारी बनना पैंदा, अधिकारी बन वास्ते साहब संघ जी फिर उत्थे आईदा जिथे महाराज की दया अधिकारी बनाउंदी है। गुरुद्वारा जिहड़ा आ संगत जिहड़ी साहब संघ जी धर्म का स्कूल है, इत्थे धर्म की क्लास लगती है, ये साहब संगत जी आप पता लगेगा आप अधिकारी किवें बनना। जे बंदे उत्थे ना ना भेजिए जिथे साहब संगत जी कोई सफलता वरतनी है, मापे अपने बच्चे को 20 साल आके जाना कि तू वड्डा हो के पुत्र डॉक्टर बनना सोहना वधिया डॉक्टर बन जाए चोटी का एक नंबर का, पर भेजन ना उन्होंने स्कूले वो कॉलेज ना जाए वो एडमिशन ना करवा स्कूल में, तो साहब संगत जी भावें 20 साल वो कान च 3 वारी दिहाड़ी च कहना डॉक्टर नहीं बन सकता, वो डॉक्टर ता बनेगा जे उत्थे बच्चे भेजेंगे जिथे डॉक्टरेट करवाई जाती है ता बन सकता वो। अधिकारी बन वास्ते आपां नूं उत्थे आउणा पैणा जिथे महाराज अधिकार बनाउण दी क्लास लाउंदे आ, जिथे साध संगत जी पात्र बनाउण वास्ते गुरु की कृपा वरती दी है उत्थे आवांगे ते अधिकारी बणांगे, अधिकारी बणांगे ते गुरु तां सदा दयालू आ। महाराज तोल तोल के मिण मिण के दया नहीं करदे पर दया वरतदी अधिकारी उत्ते आ। सतगुरु जी ने कृपा कीती कहिंदे तू दयालू आ तू कृपालू आ तेरे वर्गा तो होर दयालु है ही कोई नहीं जी। गुरप्रसाद करे नाम देवै, गुरु कृपा करे तो साध संगत जी फिर वो नाम देंदा, इहदा अर्थ है कि कृपा करे कि कदी कृपा करे कदी ना करे नहीं, पिछे दस दिता भी वह तो सदा ही कृपा करता है, पर उहदा नाम लैण वास्ते उहदी कृपा लैण वास्ते साध संगत जी पात्र बनना पैंदा। जिहड़े फिर सत्संगी संगत जिहड़ी है इत्थे साध संगत जी महाराज की पात्रता वंडी जाती है, गुरु की कृपा के पात्र बनने वास्ते सब तो उत्तम जिहड़ी विधि है वह महाराज ने संगत बनाई कि तुसीं संगत करो तो तुहाडे उत्ते कृपा परमात्मा की जरूर वरतेगी, क्योंकि संगत में बैठ के आप अधिकारी बनांगे महाराज की कृपा प्राप्त करन दे। जदों सतसंगी बन गए फिर सतसंग जी नाम देवेगा, गुरप्रसाद करे नाम देवै, गुरु कृपा करता फिर नाम मिलता है जी। नामे नाम समावणिया, फिर जो नाम जपन वाला सतसंग जी नामी में ही समा जाता, नाम की एक बख्शिश ये कह लगी कि नाम का एक फल है नाम जपे का, नाम जपे की एक ताकत है, नाम जपन वाला सतसंग जी वे ही समा जाएगा। जदों मुक्ति की गल चले तो कई बार बंदा एक साध संगत जी पछमी विद्वान ने इन्हों देशों के किंतु किया एक गल उत्ते कहता भी जिहड़ी मुक्ति कहिंदे आ ना लोग मैं वह मुक्ति लैनी नहीं चाहता। मुक्ति का अर्थ है भाई मुड़ के संसार विच ना आना, जमण मरण मिल जाना। वो कहता भी जे मैं मुड़ के संसार च आना ही नहीं, एक ही सरूप मैं सदा टिके रहना, तो एक सरूप भावें कि सुख वाला सरूप होकिया बंदा तो उब जाता अकता जाता अक जाता, तो मैं नहीं, मैं चाहना भी संसार च वार बार आवं, मैनू यह जी मुक्ति चाहिए नहीं जी एको सरूप सदा बंदा थक जाए अक जाए किसी बने जाए ही ना। वह अध्यात्म पुरशा ने सत्संग जी जवाब दिता कहते असल में उन्होंने मुक्ति का पता नहीं, वो मुक्ति ने कैसी अवस्था मानता है कि मुड़ के संसार च नहीं आना, जमना मरना नहीं, एक थान से टिके रहना पत्थर वर्गों तो बंदे ने उत्थे अक जाना। कहते नहीं, जमण मरण तो वाकई ही नहीं मुक्त नूं है, पर मुक्ति का सुख नहीं उन्हें अजे तक अनुभव किया। परमात्मा सुख स्वरूप है, वो अभेद होया बंदा मुक्त है, तो जिहड़ा सदा ही सुख में चलेगा साध संगत जी वो कभी नहीं दुख वाले थान से आएगा, संसार में दुखों का घर आख्या नानक दुखिया सब संसार, संसार दुखी से तुम्हारे ने उतार लिया, जो संसार पहले सुखी हों उतार लैन की लोड़ ही नहीं सी, संसार दुखां दा घर है। जिस बंदे नूं सदा दा सुख मिल जाए रब विच भेद होके उन्हूं लोड़ ही नहीं साध संगत जी मुड़ के जमण मरण के गेड विच पवे। वह कहिंदे असल च उन्हूं मुक्ति दे सरूप दा नहीं पता, तां उह कहिंदा पछमी विद्वान भी मैनूं इह मुक्ति चाहीदी नहीं, जिस मुक्ति की व्याख्या करी जांदे आ इको सरूप च जिस विच तब्दीली ना आवे वह की सुख आ। असल विच तब्दीली साध संगत जी वह जमण मरण की जिहड़ी तब्दीली है दुख दिंदी आ, रब विच भेद होना ही असल विच सुख है, परमात्मा च भेद होण दा ना ही असली सुख है। पर जिनी देर अनुभव च ना आए उन्नी देर असं भी भरम च पै सकते हैं भी इस मुक्ति तो की लैना, वार बार संसार से आने की परेशानी है, पर वार बार संसार से आने साध संगत जी असल में है ही दुख।
संसार से बहुता दुखी है, कोई थोड़ा बहुता दुखी हो फिर भी चल सकता। बंदा थोड़ा दुखी हो सात संगत जी, कितने कितने बीमारी हो, कितने बिरला बिरला रोग, तो फिर रोगी चंगे डॉक्टर का पता करके को जाएगा आप चल के, भाई कि चंगा डॉक्टर है जो ठीक कर सकता, चल के आप जाता फिर उन्होंने बेनती भी करता जी मैंने चैक करो मेरा इलाज करो, फिर पैसे खर्चता को चंगे डॉक्टर की पूरी फीस देता फिर वो इलाज करवा फिर ठीक होंगे। पर जो रोग बहुत ज्यादा बढ़ जाए सात संगत जी, महामारी फैल जाए कि फिर रोगी चल चल के डॉक्टर को नहीं जाते, फिर उल्टी प्रक्रिया हो जाती है, फिर वो डॉक्टर कृपालू हो जाता, फिर डॉक्टर आप निकल आता बाहर अपने घरों, फिर फीस भी नहीं लगता, लोगों में जा के इलाज करता, जो बहुत ही रोग फैल जाए फिर डॉक्टर यह नहीं कहता भी लोग मेरे को आने इलाज करा, फिर डॉक्टर आप ही बाहर निकल आते अपना बैग लैके सब थावान से आप पहुंच पहुंच के इलाज करे। गुरु साहब ने सात संगत जी देखा भी जदों दुख की महामारी फैल गई फिर महाराज ने अवतार लिया ते कोल जाके प्यासे कोल सात संगत जी खूह कदी नहीं चल के गया, हमेशा प्यासे खूह को चल के जाना पैंदा। पर जदों ते हौमे का रोग इन्ना ज्यादा फैल गया, जदों मतसव पुणे की धुंद बहुत संघनी हो गई, महाराज ने सात संगत जी उन्हें दूर कर लिया, आप अवतार लिया, फिर चल चल के लोगों को गए भी हुण ते महामारी फैल गई, ये बहुत ज्यादा दुखी संसार। बाबा देखा ध्यान धार जल्दी साहब प्रिजमी दिस आई, महाराज ने ध्यान ला के वे आप अखा ना मेरे गुरु साहब ध्यान ना मेरे, ये भी फर्क है, असं तो वह चीज़ दे सकते जिनी अखा की रेंज में आती है, तो महाराज को ताकत है भी वह अखा बंद करके ध्यान ना वेख लेंगे। भाई गुरुदास जी ने लिखा गुरु साहब ने ध्यान ला के वेख्या सारी सृष्टि दुखी नजरी पई, फिर महाराज निकल पे, जे कोई लीला नामा दुखी हों तो महाराज की सुबह सुन के आप आ जाता, वह महाराज इलाज करते, पर सतगुरु ने वेख्या तो संसार ही दुखिया नाल भरिया पिया, फिर महाराज आप ही वैद आप निकल गया फिर करो उन्हों का इलाज करने वास्ते, फिर सात संगत जी उन्होंने सुख दिता। असल में मुक्ति के असल स्वरूप का पता लग जाए तो फिर नहीं बंदा संसार के दुखों को कभी भी नेड़े आने देगा, पर जिन्होंने अजे तक समझ ना आई वो कहता भी नहीं जिस स्वरूप तब्दीली ना आए उस स्वरूप के सुख में किवें मैं मान सकता, मैं इसे ही खुश हाँ कि वार बार संसार से आई जावा, संसार से वार बार आने का अर्थ है सात संगत जी वार बार का जमना मरना, तो गुरमत में सब तो वड्डा दुख जमना मरन में मनिया, जा कारण हम तुम आराधे सो दुख अजू सही है भगतान ने आख्या, वो कहते महाराज ताकि आराधना सिर्फ एक काम नहीं करते भी जमीए वर्गे ना, इस सिलसिले तो सानू कृपा करके बचा लो। जदों गुरु कृपालू होकर नाम की दात दे तो फिर कहते नामे नाम समावने, फिर जग्यासु जिहड़ा सात संगत जी नाम जप के नामी में ही समा जाता, सदा लई उहदा सरूप बन जाता, सुख में टिक जाएगा फिर वह जमना मरना नहीं हुंदा जी। तू आपे सच्चा सिरजनहारा, तू आप सच स्वरूप है तो सृष्टि की सिरजना करने वाला है, सच साध संगत जी कहते हैं सदीवी नूं सदा रहने वाला सच हुंदा, जिहड़ा कदी बन गया कदी टट गया वह सच नहीं, जिहड़ा अज दिसदा कल ना दिसे वह सच नहीं हुंदा, सच सिर्फ साध संगत जी एक है वह अकाल पुरख वाहिगुरु जिहड़ा सदा रहने वाला है, फिर सृष्टि की सृजना करने वाला हो जी। भगति भरे तेरे भंडारा, तेरे ते भंडारे भरे पाए भगति दे, जिनी मर्जी सात संगत जी वो भगति की दात को लै ले पर पहला पात्र बने वे तो भंडारे भरे पे हैं। गुरमुख नाम मिले मन भीजे, गुरमुख जेडे सात संगत जी उन्होंने जो नाम मिले ना तो नाम नाल मन भिओना पैंदा, भीजे का संदा पतीज जाए, नाम विच मन पतीज जाए, नाम विच सात संगत जी मन पतीजे ना तो थोड़ी जी देर बाद प्राप्ति होंगी, प्राप्ति उदों ही होनी है जदों मन पतीज जाए, जदों यह विश्वास बन जाए कि यह मेरा नाम जपया व्यर्थ नहीं जाना, यह मैं बीज बीजी जाना तो एक दिन यह अंकुर फुटेगा। तुलसी जी ने लिखा सात संगत जी सोहना एक दोहरा, वो कहते हैं किरसी अपने खेत को उल्टा सीधा बीज, तुलसी अपना राम भज प्रेम भजो या खीज, बड़ी कमाल की गल है, ये उवें दोवें पासे अर्थ लगन गए, पर जो आप फिट बहता पहला जग्यासू में जोड़ा उच्ची अवस्था वाले वो होर गल है, पर जोड़ा जो तुरै जाता वो सात संगत जी उन्होंने उचारिया। वो कहते हैं किसान को चाहिए अपना खेत बीज दे विचारा च ना पे, बीज सुट दे पैली में उल्टा डिग पवे बीज सीधा डिग पवे फिक्र नहीं करने की लड़, बीज उल्टा डिग पे सीधा उन्हें उगता पैना ही है। किरसी अपने खेत को उल्टा सीधा बीज, कहते गुरमुखा अपने खेत में बीज पा दे भावा उल्टा डिग पे वख परने डिग पे सीधा डिग पे उगेगा, बीज पा दे विचारा च ना पे। इस तरह कहते हैं तुलसी अपना राम भजो प्रेम भजो या खीज, कहते हैं जे तो प्रेम नाल भजन करे फिर तो भला बहुत छेती प्राप्ति, क्योंकि प्रेम परमात्मा का स्वरूप है, पर कहते हैं जे कभी खिज भी चढ़ी हो ना भी अज नहीं नितनेम नूं जी करदा फिर भी नागा ना पा छड़ी ना, ये काम ये बीज बीज दे उल्टा उल्टा ही सही, खिज ही चढ़ी है भावें नहीं भी अज मन लगा पर यह नहीं भी अज जी नहीं करता छड़ो खेड़, वो कहते नहीं खिजा होया भी नितनेम ना छड़,
जे खेचड़ी ना किसी उत्ते ते नेत्रियम ते गुस्सा ना हो कड वो जरूर कर ला। बीज सुट दे एक बारी उल्टा डिग पिया सीधा डिग पिया ये बीज पिया ही उगना जे पावेगा ना फिर की उगेगा। आप करू आयो रे एक नाम गोव गोव महाराज का वचन है कहते कलयुग तो ना बतरिया जमीन का बनया बस नाम बीज देना चाहिए विचारा च पैन की लड़ नहीं। कई कई बार सत्संग जी बंदे का सुभा हाँ भाई पुछण पुछण ही सारी उम्र लगा दिता। कई उसे सवेरे छतड़ी फड़नी तो मंडी में चले जाना सब दुकाना से जाके पुछना गोभी की भा गाजर किमें लाइया तो फिर उधर लड़ना भी है पिछले ने इन्ने लाइया तू इन्ने तू महंगी दुट मचाई तू लैना कुछ नहीं भा सारिया रेहड़िया तो पुछना शाम खाली चल जाना अगले दिन फिर छतरी लैके उस बाजार से खरीदना कुछ नहीं सिर्फ भा ही पुछना भा पुछते ना कि उम्र लग जाए। ये आप ख्याल करना कि भा ही नहीं पुछी जाना उल्टा सीधा बीज देना जिमें भी नहीं भी जी करता तो भी महाराज के दर्शन कर आ ही जाना चाहिए नेत्रियों को ना चेत करे तो कर लेना चाहिए फिर भी ये बीज आ बीज देना चाहिए उगेगा जरूर उगेगा सत्संग जी ने पुन कर्म एक दिन बन जाना इस करके कहें ये जो मन पतीज जाए तो बहुत छेती प्राप्ति जे नहीं भी पतीजा तो गुरु साहब का जो हुक्म है ना कि तू नेत्रियम करया कर ये करते रहना चाहिए एक दिन मन पतीज जाएगा। गुरमुख नाम मिले मन पीजै सहज समाध लगावने गुरु रामदास जी के बचन कहें फिर जो बीज बीजी जाएगा एक दिन फुर समाधि का भी तेन आनंद आए सहज समाध उन्होंने कहें सत्संग जी इतने कोई फुरना ना हो जिथे सारे फुरने रुक जाए नाम सहज समाधि है वह किसी को चौंकड़ा मार के लाइनी पैंती है किसी गुरमुख प्यारे की तुरे फिरते भी लगी रही है भाव से फुरने रोकण का ना समाधि है समाधि उम्मीद ना नहीं भाई दरवाजा बंद करके अंदर सत्संग जी आप बैठना वह भी समाधि है एक योग मत की पर गुरमत की समाधि है भी फुरने रोक फुरनिया का रुकना असल सह समाधि है फुरने रुके तो उस वे रब की बाबे बुले ने वचन किया ना किडे कमाल का वह कहता बुलिया रब का ही पाना इधरों पुटना इधर लाना कि सौखा काम है बड़ा सौखा उन्हें दसा कहते रब तो प्राप्त ही है ये तो औखा काम ही नहीं ये तो बस इधरों पुट लेना इधर ला लेना है पर सत्संग जी काम उतों विगड़ता भी जो आप इधर ला तो लेने इधरों पुटते नहीं इधरों पुटना बहुत औखा इधर लाना अजे सौखा गुरुद्वारे आ जाना इतने जपजी साहब सुन लाना रह रहा जा कथा कीर्तन ये तो काम आप कर लिया पर वो नहीं अजे छड़िया जिहड़ा छड़ना सी उतों काम विगड़ गया नहीं तो बाबे बुले ने तो बहुत ही कमाल की सीधा ही सत्संग जी काम आ उन्हें कोई बहुत ज्यादा व्याख्या कर करके नहीं आख्या रब की वह कहता काम बहुत सौखा जे रब पाना बस इधरों पुट के इधर ला लो तो पर इधर ला लो तो यह अर्थ है कि इधरों पुट भी लो ये ना इधरों पुटो ही ना उत्थे आप जाइए जाइए जिथे नहीं जाना चाहिए सिख न तो गुरुद्वारे भी आईए जिथे आए तो इतने भी श्रद्धा ने मत्था टेक लिया तो चले उत्थे भी गए जिथे जाने महाराज ने मना किया अपन यद अर्थ है भी आप इधर तार जोड़ तो लई है उधरों नहीं अजे थोड़ी तो फिर विचाले जी प्राप्ति उन्नी देर नहीं उस वेले प्राप्ति महाराज के बचने गुरबाणी सतगुरु जी कहते दुंदर बाधो सुंदर पावो कोई देर ही नहीं आज मिलावा सेफ ब्रीद टाक मकूंजड़िया मनो मचिंदड़िया कहते मन चुठन वाले फुरने एक पल की रोक एक पल च रब की प्राप्ति है कोई देर ही नहीं पर वो तो ताहे सत्संग जी रुकन गए ना जे फिर दूसरे पास में थोड़ा बहुत बंदा संकोच करे जिनी सत्संग जी दवाई असर करती परहेज भी उन्ना ही नाल कर असर करता बंदा मेडिसिन ले जाए तो परहेज ना करे आराम किवें आवे परहेज यह है भाई जिथे नहीं जाना चाहिए गुरु के सिख नूं उत्थे नहीं जाना चाहिए जिन्ने को मर्जी प्रमाण देवे बस उन्हूं कहना कि नहीं गुरमुखा साडे लई तैनूं एक दो मिनट च गल मका देने भी साडे लई सब तो उपर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज है जिन्हों कलगीधर पातशाह मत्था टेके उन्हूं छड के तैनूं किवें जाके मत्था टेक दीए दस तो जे तैनू भी असी टेकना फिर असी सिख की हाँ फिर की सिख नूं प्राप्ति फिर भी सिख ही खवाई जाइए तो फिर सत्संग जी का अर्थ है कि गुरु ग्रंथ साहब से यकीन नहीं बनया सो गुरु साहब कृपा कर सत्संग जी पौड़ी की समाप्ति हाँ जी पौड़ी की समाप्ति होगी सत्संग जी समा भी समाप्त है विचार करते हैं बहुत सारिया भुला हों मन अपना पतीत जाए गुरु की बाणी उत्ते यही अरदास बेनती है ता ही अपना भला सत्संग जी भुला चुका लिखे मां जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।